क्या आपको भी लघुत्तम बनाने में दिक्कत होता है या लघुत्तम बनाने का जो तरीका है उसको आप समझ नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए बनाया गया हुआ है। क्योंकि इस वीडियो में आप बढ़िया से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि लघुत्तम कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में लघुत्तम का दो सवाल लिए हैं, और पहला सवाल जो है थोड़ा सा हल्का होगा क्योंकि आपको समझना है कि लघुत्तम कैसे बनाया जाता है, और जो दूसरा सवाल है थोड़ा सा भारी होगा क्योंकि भारी सवाल में ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखिए, और चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है 6, 8 तथा 12 का लघुत्तम निकालें। तो पहले हमको जो काम करना है कि हम यहाँ पर 6, 8 तथा 12 को लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए 6, 8 और 12, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, और इसके बाद एक लाइन बगल से नीचे की ओर खींच दीजिएगा, और एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है, लघुत्तम जो तरीका है बनाने का ऐसे ही बनाया जाता है। अब हमको क्या करना है कि कोई ऐसा छोटी से छोटी संख्या लीजिए कि छोटी संख्या से इस सारे संख्या में पूरी की पूरी भाग लग जाए, मतलब कि अगर कोई संख्या से इसमें भाग लगा रहे हैं तो ये 6 पूरा का पूरा कटना चाहिए, 8 भी पूरा का पूरा कटना चाहिए, 12 पूरा का पूरा कटना चाहिए, आपको दशमलव में नहीं लाना है, बात समझे। अब देखिए यहाँ पर पहले हम 2 से लगाएंगे भाग, 2 से नहीं लगा तो फिर 3 से लगाएंगे, तब तो फिर 4 से लगाएंगे, मतलब धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ जाना है, ये ना कि 2 से अगर न लगा तो 5 लगा देंगे सीधे, ऐसा नहीं होगा, पहले 2 से तब 3 से तब 4 से तब 5 से, इस तरह हमको भाग लगाना है। ठीक है, अब चलिए इसमें पहले हम 2 से लगाते हैं भाग। ठीक है, तो 2 पहले यहाँ पर लिखिएगा 2, और इसके बाद 2 का पहरा पढ़िए। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 3 मरतबे कट जा रहा है, तो 3 मरतबे यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 चौका 8, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, और 2 6 12, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ गए, फिर हमको यहाँ पर ऐसे कर देना है। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखेंगे कि ऐसा कौन सा संख्या ले कि इसमें पूरा का पूरा भाग हमको लग जाए। अब देखिए 3 गो यहाँ पर है ना, 3 गो में न लगे भाग तो कम से कम 2 में लगे, अगर 2 में न लगे तो कम से कम 1 में 2 आपको लगाना ही है, अगर 1 में भी भाग न लगे तो उस संख्या को आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कम से कम आपको 1 में भाग लगना चाहिए, तो हम 2 से इसमें फिर से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 2 का पहरा पढ़िए, 2 का पहरा में 3 कहीं नहीं आता, इसलिए हम इस 3 को यहीं की यहीं छोड़ देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और 2 का पहरा में 4 आता है, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, फिर से एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 2 3 है, तो फिर अगर 2 से हम इसे भाग लगाते हैं तो एक संख्या है जो 2 से कट जाएगा, 2 खुद अपने आप कट जाएगा, लेकिन 3 और ये 3 नहीं कटेगा, इसलिए फिर से हम 2 ही से लगाते हैं भाग इसमें, तो लगाइए 2 से, तो 3 को उतार दीजिए ऐसे ही लिख दीजिए, और 2 एकम 2, और फिर यहाँ पर 3 ऐसे ही आप लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर देखिए इसको आप एक लाइन और खींच दीजिए। अब देखिए अब इस सारे संख्या में 2 से भाग न लगेगा, इसलिए हम 2 से थोड़ा ऊपर जाएंगे, 3 से लगाते हैं, और 3 से अगर भाग लगाते हैं तो 3 से 3 में भाग लग जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, और 3 एकम 3, और 1 ऐसे लिख देंगे, और 3 एकम 3 कट गया है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि सारे संख्या जो इस साइड का है 2 2 2 3, इसको हम नीचे गुना करेंगे, तो गुना करिए 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3, 1 2 3, और गुने 1 3 है, तो यहाँ पर लिखिए 3, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब इस सभी को संख्या को गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 3 24, तो 24 यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपका एलसीएम जो आया वो 24 आया। तो 6, 8 तथा 12 का लघुत्तम 24 आया, बस आपको इतना ही करके छोड़ देना है, आपका आंसर आ गया। चलिए एक थोड़ा इससे भारी सवाल लेते हैं, उसमें आपको आसानी से लघुत्तम समझ में आ जाएगा। अब देखिए सवाल है 24, 36 तथा 45 का लघुत्तम निकाले, तो इसमें भी फिर से हमको यहाँ पर लिखेंगे 24, 36, 45, यहाँ लिख दिए, और लिखने के बाद फिर से इसको एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर भी एक लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक है,
अब देखिए, अब फिर से इस सारे संख्या में कोई ऐसा संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, छोटी संख्या जिसमें भाग लग जाए, पूरा का पूरा भाग लगना चाहिए। अगर तीन में न लगे तो दो लगे, और दो में न लगे तो कम से कम आपको एक में लगना चाहिए भाग, ठीक है। तो देखिए यहाँ फिर से हम छोटी संख्या दो लेंगे, तो दो से अगर लगाते हैं यहाँ पर तो दो से चौबीस में भाग लग जाएगा, बारह मरतबे कट जाएगा, पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो लिखिए यहाँ पर बारह, फिर दो का पहरा पढ़िएगा अठारह मरतबे, तो अठारह मरतबे छत्तीस आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए। अगर 45 पूरा का पूरा दो से नहीं कटता है तो हम यहाँ पर सिर्फ 45 से लिख देंगे, यहाँ पर 45 लिख देंगे। कहने का मतलब है कि आपको पूरा का पूरा कटना चाहिए, कोई भी संख्या जो यहाँ पर है पूरा का पूरा कटना चाहिए, दशमलव में आपको नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 12 18 45 है, तो फिर से इसमें हम दो से लगाएंगे भाग, और दो का पहरा पढ़िएगा तो छः मरतबे 12 कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो छः मरतबे यहाँ लिख दीजिए। दो का पहरा पढ़िएगा नौ मरतबे, तो 18 पूरा का पूरा कट जाएगा, तो नौ लिखिए। और फिर 45 आपको दो का पहरा से नहीं कटेगा, तो इसलिए 45 को फिर ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब फिर से एक लाइन ऐसे आप खींच दीजिए। जब तक आपको पूरा का पूरा संख्या नहीं कटता है तब तक आपको भाग लगाते रहना है। अब देखिए फिर से देखिए, छः है नौ है 45 है, तो यहाँ पर छः ऐसा संख्या है जिसमें दो से भाग लग सकता है, दो से पूरी तरह कट सकता है, तो एक बचा हुआ, इसलिए हम दो से भी यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो दो तिया छः, और नौ तो दो से कटेगा नहीं, इसलिए नौ ऐसे ही के ऐसे ही छोड़ दीजिए। 45 भी नहीं कटेगा तो 45 भी ऐसे ही के ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। फिर से एक लाइन खींच दीजिए ऐसे। तो अब देखिए तीन नौ 45 है, और तीन नौ 45 में दो से तो भाग लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें हम तीन से लगाएंगे भाग, अगर तीन से भाग लगाते हैं इसमें हम, तो तीन एकम तीन, तीन तियाई नौ, और पंद्रह तिया 45, तीन का मर्त पहरा अगर पढ़िएगा 15 मरतबे तो आपका 45 आ जाएगा, 45 पूरा का पूरा कट जाएगा। तो तीन 15 45, थोड़ा सा इसको नीचे खींच दीजिए और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। अब देखिए, अब बच गया संख्या तीन और पंद्रह, तो तीन और पंद्रह में फिर से आप तीन से भाग लगाइए। तो तीन से लगाइएगा भाग, तो एक तो आपको ऐसे कैसे उतर जाएगा यहाँ पर, तीन एकम तीन, और तीन पच्चे पंद्रह, ठीक है, पंद्रह। अब बच गया क्या, पाँच। तो आप लघुत्तम को इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या अगर इसको भी काटना है तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए आप, इसमें आप पाँच लगाइए भाग, क्योंकि एक एक बचा हुआ यहाँ पाँच है, तो सिर्फ पाँच से आप लगा दीजिए भाग। तो एक यहाँ भी एक, और पाँच एकम पाँच, नीचे एक एक सप्तर आ गया, तो आपका सवाल यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि जितना भी देख रहे हैं इस संख्या, इसको इसको गुना करना है। देखिए दो गुने दो गुने दो गुने तीन गुने तीन गुने पाँच, एक दो तीन एक दो तीन एक दो एक दो, एक पाँच है तो एक पाँच है। अब सभी को आप गुना कर दीजिए, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ तीन चौबीस, चौबीस तिया बहत्तर, और बहत्तर पंचे, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, बहत्तर पंचे, बहत्तर पंचे हो जाएगा आपका पाँच दूना दस के जीरो हासिल एक, और सब बच्चे पैंतीस, पैंतीस एक छत्तीस, तो 360 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 360। तो लघुत्तम आपका इतना पर ही बन जाता है। तो आपका आंसर होगा, सवाल कितना है, 24 36 तथा 45 का लघुत्तम क्या है, तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा 24 36 45 का लघुत्तम आपका 360 है। बस इतना ही करना है, आपका आंसर आ गया।